हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। मैं फरीदा खान, जो कि समाज सेवा एसोसिएशन संस्था की महिला प्रेसिडेंट हूं और समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़ की पत्रकार हूं। मुझे फ़ोन आया, अपना नाम मुश्ताक बताया और अपने आप को जी न्यूज़ का पत्रकार बता के धमकाया कि राशन दुकान की शिकायत क्यों की। हमारे समाज सेवा एसोसिएशन संस्था में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही गरीब है। कई लोग अपाहिज है और कई लोग पैरालाइज बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार के द्वारा अन्न योजना के तहत कई लोगों को घर चलाने में मदद मिलती है। हमारे संस्था के कई मेंबर हैं जो जब राशन लेने जाता है दुकानदार उनको राशन नहीं देता है, उनको आज कल कह कर घुमाता है। गेट नंबर 8 आम आदमी पार्टी के ऑफिस के नीचे BMC स्कूल के सामने दुकान नंबर U/MUM 42G298 हमारे संस्था के मेंबर खलीद भाई है। उनको हमेशा राशन महीने में कभी 10 किलो कभी 15 किलो दुकानदार देता है। सरकार की वेबसाइट है महाफूड, इनमें चेक करें। अगर राशन कार्ड नंबर डालेंगे तो राशन कितना मिलना चाहिए और कितना नहीं हम जान सकते हैं, जो कि जनता का हक है। हर राशन कार्ड पे नंबर होता है लेकिन दुकानदार राशन कार्ड पे नंबर नहीं डालता है। जब हमने राशन दुकानदार को नंबर डालने को कहा तो गलत नंबर डाल के दिया ताकि चेक ना कर सके और उसका घोटाला समझ ना आए। उसके सामने ही हमने इंटरनेट पे चेक किया तो नो डेटा फाउंड का इरल आया। उसको हमने कहा तो दुकानदार ने कहा बाद में चेक करो, हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी जब नहीं हो रहा था तब हमने दोबारा पूछा, तब वो हमसे बहस किया। तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जो राशन लेने आए थे। सभी ने कहा कि राशन कम देता है और काफ़ी गंदा और कई बार सड़ा हुआ होता है और हमेशा ही 4 बार दौड़ाता है। कई लोगों से अंगूठा लेता है और राशन के लिए बाद में कह कर नहीं देता है। कई लोगों का हमने वीडियो बनाया, तब उसने कहा भाई वीडियो मत बनाओ, मैं सबको ले देकर करता हूँ, आप भी बोलो क्या चाहिए। मैं नगर सेवक और पत्रकार को 2000 किलो राशन दिया हूँ। हमने इस बात को ध्यान ना देते हुए 16/2022 राशन डिपार्टमेंट को इसकी लिखित शिकायत की 4 बजे और मुश्ताक नाम के गुंडे का फ़ोन आया मुझे धमकाने के लिए 5 बजे के आसपास, जो कि अपने आप को जी न्यूज़ का पत्रकार बता रहा था। वो पत्रकार है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अगर पत्रकार होता तो जनता की तकलीफ़ के बारे में आवाज़ उठाता मुझे धमकाने के बदले। एक बात और जो कि महत्वपूर्ण है, दुकानदार ने कहा था कि 2000 किलो राशन दिया है पत्रकार को, ये सच हो सकता है? लॉकडाउन में जब जनता राशन के लिए तरस रही थी तब इसने 2000 किलो का राशन का घोटाला किया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से मिली समाज सेवा एसोसिएशन की महिला प्रेसिडेंट को धमकी। हेलो, हाँ कौन, फरीदा बोल रही है? जी हाँ, फरीदा बात कर रही हूँ। आपसे 3 दिन पहले बात की थी मैंने, आपने बोला था मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आपने कॉल ही नहीं किया। जी कौन बात कर रहा है? मुश्ताक अली बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ये 8 नंबर दुकान का क्या मैटर, राशन का क्या हुआ, काला बाजारी वहाँ पे? मुझे क्या पूछ रहे हैं आप? अगर आपको पहले से पता होगा तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? और कौन सा राशन दुकान, मैं किसी राशन दुकान को नहीं जानती। बार बार आप दुकान पे क्यों आ रही हो आप? मैं किसी सुनो मेरी बात, तुम समीर के साथ रहती हो ना, मेरी बात सुनो। मैं जी न्यूज़ से बोल रहा हूँ। समीर के साथ रहती हूँ तो इससे क्या ताल्लुक? मैं जी न्यूज़ से बोलो या कहीं से बोलो, मुझे क्या लेना देना उससे? दुकान पे आओ, मैं क्यों आऊँ दुकान पे किसी के? मैं क्यों आऊँ? 8 नंबर सोसाइटी में रहती है ना, 1 नंबर रूम है ना वो, मैं आता हूँ वहाँ पे। ओहो, बिल्कुल आई, मैं आता हूँ वहाँ पे। तुम्हारा कौन है बीरो चीफ? बीरो चीफ कौन है तुम्हारा? तो आप ही बताइए, जब एक पत्रकार और समाज सेवक को वहाँ पर इस तरह से दुकानदार डरा रहा है तो वहाँ की जो जनता है जो वहाँ से राशन लेकर जाती है उन लोगों को वो किस तरह से डरा कर रखा होगा। सरकार ने इस दुकानदार को सेवा करने का मौका दिया है लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए यहाँ की गरीब जनता को ठग रहा है और उनका फ़ायदा उठाकर सरकार को भी धोखा दे रहा है।
समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके का न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666-47110। धन्यवाद।